हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिना फ्रॉम दिल्ली 99। आज हमारे साथ हैं आदित्य जी। आज वो अपनी अपकमिंग वेब सीरीज़ पौरुषपुर के बारे में हमसे चर्चा करेंगे। सो हाय आदित्य जी। हाय, हाउ आर यू? सो आदित्य जी, हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिए, ये पौरुषपुर जो आपकी वेब सीरीज़ आ रही है, ये किस टॉपिक पे है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और स्टार कास्ट कैसी है, स्टोरी लाइन कैसी है, फिक्शन है या रियलिटी बेस्ड है, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बताइए। आई थिंक द आइडिया बिहाइंड जो पौरुषपुर की आइडिया थी वो ये बताने की थी कि जो उस सदी में भी जो आज हम सोसाइटल प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वेदर इट्स रेप, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट और जेंडर, पावर स्ट्रगल, होमोसेक्सुअलिटी, इनफिडेलिटी, वो सब तब भी थी और वो सदियों से चली आ रही है। आई थिंक एट द सेम टाइम जो स्टारकास्ट है, बहुत में शिल्पा जी, मिलन जी, साहिल, दे आर ऑल फेयरली मोर एक्सपीरियंस एंड सीनियर टू मी। ऑल्दो दिस इज़ माई फिफ्थ प्रोजेक्ट, बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, एंड ऑल्सो आई थिंक एवरी कैरेक्टर इन पौरुषपुर की अपनी ही दुनिया है। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर एक को ओवरपावर कर रहा है स्टोरी में, येस, बट आई थिंक एवरीबडी हैज़ बीन गिवन देयर ओन लिटिल बिट टू प्ले, सो दैट देयर एंड एवरीबडी स्टोरी इज़ डिफरेंट। जी, मेरी कहानी है एक प्रिंस की। मैं महाराजा भद्र प्रताप का छोटा बेटा प्ले कर रहा हूँ, रणवीर। ये चित्रकार है, तो जैसे चित्रकार होते हैं अमूमन वो भी अपने ही अंदर है, बिकॉज छोटा बेटा है, सियासत उसकी सत्ता उसकी है नहीं। उसे प्यार हो जाता है, होता है तो एक दासी से, वहाँ पर इसकी पावर स्ट्रगल शुरू होती है विद हिमसेल्फ, विद सोसाइटी, और जैसे आप शो देखेंगे देन इवन विद हिज फादर एंड विद हिज मदर। जैसे मैंने कहा कि ये प्यार उसकी किस्मत में है पर उसके हक में नहीं। आई थिंक समवेयर दी आई डोंट नो वेदर आई वुड कॉल इट फियर और दी ओवरपावरिंग नेचर ऑफ अ फादर इन दैट पोजिशन इन लाइफ एंड सोसाइटी वुड मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी सन टू रिबेल अगेंस्ट समथिंग सो स्ट्रेट लाइन। बट ऐसे कैरेक्टर मुझे हमेशा से था कि एक रोमांटिक हीरो प्ले करूँ, जो थोड़ा सा मुझे मिल गया इसमें, बट इट वॉज लॉट ऑफ फन। हैड अ ग्रेट रैपो विद कला जो प्ले कर रही है, मेरी को स्टार पॉलोमी, और आई थिंक हमारी लव स्टोरी इस पूरे पौरुषपुर की दुनिया में जो सारी डिसफंक्शन चल रही है, एक सुंदर क्लीन लव स्टोरी निकल के आएगी जो बाद में उलझ जाएगी, बट प्यार तो प्यार होता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, शिल्पा जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? शी इज़ लवली, वेरी इजी टू वर्क विद। पहले जब आई सेट पे तो मेरा एक सीन था, जब वो होते हैं ना कि कोई जो आर्टिस्ट होते हैं, जो नॉट ओनली सीनियर बट देर सो ब्यूटीफुल कि यू नो फील कि कहीं मतलब जब इवन मैंने शेक हैंड लाइक आराम से कहीं मतलब कुछ हो ना जाए, इन्हें बस रखो, शी इज़ लाइक अ पोर्सलिन डॉल, बट शी इज़ स्ट्रॉन्ग, she knows who she is, but at the same time her down to earth nature, how humble she is, जैसे वो है, वो मेरी माँ का किरदार निभा रही है इसमें, हाल ही वो मेरी माँ कहीं से नहीं लगती, but I had a great time with her. जी, और कोई last message आप हमारे viewers को देना चाहेंगे पौरुषपुर के लिए? जी, पौरुषपुर बहुत ही ज़्यादा effort, प्यार और लगन से बनाई गई है, and I really hope the audience understands the message we are trying to deliver and the story we are trying to tell in this, and give us all the love that everyone who's worked so hard on this deserves. Thank you so much, Aditya ji. All the best. Thank you so much.